बनाने जा रहे हैं फूल गोभी आलू के साथ। इसके लिए हम लेंगे 1 पाव किलो फूल गोभी, उसको हमने कट करके धो के अच्छे से साफ कर लिया है। 4 छोटे छोटे आलू, 2 बड़े प्याज, 2 टमाटर, 4 हरी मिर्ची हमने बारीक कतर कर लिए हैं, थोड़ी सी कोतमीर और हसबे ज़रूरत तेल। हमने 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। अब हम गोभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बर्तन में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, 1 तो हम इसमें गोभी डाल देंगे। गोभी को हमें फुल आंच पर फ्राई करना है 2 मिनट। अब हम इस पर ढक्कन रखकर 2 मिनट पकाएंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं, हम गोभी को देखेंगे अच्छे से फ्राई हो गई है। जब तक गोभी थोड़ी थोड़ी सुर्खी ना रही होती है, हम तब तक उसको फ्राई करते रहेंगे। इस तरह से गोभी टेस्टी भी बनती है और उसके अंदर की बू भी चली जाती है। थोड़ी देर और हमको उसको पकाना पड़ेगा। देखिए हमारी गोभी थोड़ी थोड़ी सुर्ख होना शुरू हो गई है। इसी तरह अच्छे से फ्राई करने के बाद उसको निकालिए। ये देखिए थोड़ी थोड़ी हमारी गोभी सुर्ख होने लगी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में अपने आलू फ्राई कर लेंगे। आलू को भी हम उसी तरह से 2 मिनट के लिए ढक्कन ढाप कर रखेंगे। इस तरह से आलू जल्द फ्राई होते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको ढक्कन उतार कर देखेंगे। देखिए हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से सुर्ख होने तक फुलाने तक हिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा ये सुर्खी माइल होने लगेंगे तब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसी बचे हुए तेल में पहले हरी मिर्चें डालेंगे। मिर्चियाँ हल्के हल्के जब तक तलने लगेंगे तब हम
इसमें प्याज डालेंगे। देखिए मिर्चे हमारे हो गए हैं थोड़े थोड़े, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे। दो मिनट के लिए भी इसको ढककर रख देंगे ताकि जल्दी गल जाए। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, हमारी प्याज भून गई है अच्छे से। प्याज अगर अच्छे से भूनती है ना तो ही सालन अच्छा मज़ेदार होता है। हम थोड़ा सा प्याज को और सूख होने देंगे। तब तक हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देते हैं। देखिए इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन 2 चम्मच हमने लिया था वो, नमक 1 चम्मच हमने लिया है, लाल मिर्च 1 चम्मच और 5 चम्मच हल्दी। इन सब चीज़ों को हम प्याज में अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम लोग टमाटर भी डालेंगे। और इसको 2 मिनट हम लोग अच्छे से भूनेंगे। टमाटर तेल छोड़ने लगे इस तरह से तो हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अगर आपको सूखी गोभी पसंद है तो आप 1 कप पानी डालें, अगर आपको थोड़ा पतला रखना है सालन को तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। अब हम ये जो कोथमीर है बची हुई ये इन आलू और गोभी पर डाल लेंगे। जब हमारे शोरबे को उबाल आएगा अच्छे से तब हम इसमें ये आलू और गोभी डाल देंगे। क्योंकि हमारे आलू और गोभी पकी हुई है इसलिए इसमें डालने के बाद हमको ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको करी कम चाहिए तो तुम आप 1 ही कप डालिए पानी, आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो इस वक्त आप पानी ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हमारा सालन अच्छी तरह से उबल रहा है। अब हम इसमें इसी वक्त आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, इसी वक्त आप सालन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें तला हुआ आलू गोभी और कटी हुई कोथमीर ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे।
इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाला हमारे गोभी और आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा बनता है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है सालन तो आप इसमें इस वक्त पानी और नमक थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इसको हमको धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकने के लिए रखना है। 5 मिनट हो गए हैं, हम देखते हैं। देखिए हमारा सालन कितना अच्छा पका है, इसके ऊपर तरी भी आ गई है। देखिए बहुत अच्छे से हमारा सालन तैयार हो रहा है। देखिए अगर मटर का मौसम हो तो आप इसमें मटर भी तल के डाल सकते हैं। ये देखिए आपका मज़ेदार आलू गोभी का सालन तैयार है। इसके ऊपर हरा धनिया डालकर सर्व कीजिए। अल्लाह हाफिज़।